गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और 29 अप्रैल 2020 आज हम बात कर रहे हैं फिर से एक नए टॉपिक पर। 15 तारीख से मैं रोज नए टॉपिक पर बात कर रहा हूं और आप सभी लोगों के साथ हर बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि ऐसे विषयों पर बात की जाए इस सीरीज में जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ट्रेनिंग में अवेलेबल हो जाते हैं या कोई वीडियो कोर्सेज होते ही हैं एक नहीं तो किसी दूसरे ट्रेनर के, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए जो इन जनरल ट्रेनिंग में नहीं डिस्कस होते हैं। सो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे विषय पर बात करें। आज बहुत सारे मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पर बात करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहा और काफी समय से लंबे समय से पूछते आ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल्स के जो टॉपिक हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उन सभी के मोटे मोटे तौर पर सभी प्रश्नों के जवाब मेरा ट्रेनर पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप ऐप डाउनलोड करके फ्री में देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा HNI के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर HNI सेल्स के बारे में बात करिए, या HNI बड़ी पॉलिसी कैसे करें, बड़ी पॉलिसी का जो क्रेज होता है वो कैसे करें, बड़ी पॉलिसी के बारे में किस तरह से अप्रोच करें, बात क्या करें, कन्विंस कैसे करें, बड़ा प्रीमियम कैसे। तो उस विषय पर आज हम बात करेंगे और मेरा फेवरेट विषय है ये। मैं शुरू से इस चीज में मानता हूं कि मुझे तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है ना अक्सर बड़ा प्रीमियम कैसे करें, बड़ा पॉलिसी कैसे करें, तो मेरा पहला प्रश्न उनको ये रहता है कि भाई आपने छोटा कितना किया है पहले वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। आप कितने साल से इस इंडस्ट्री में हैं और छोटा कितना कर लिया है आपने, क्या आपने हर दिन के हिसाब से एक पॉलिसी कर ली है, भले 10,000 रुपए प्रीमियम की हो लेकिन क्या आपने कर ली है, क्या आपने रिटेल में मास्टरी हासिल कर ली है, अगर हाँ तो ही आप HNI के बारे में मुझसे बात कर, तो ही मैं बता पाऊंगा HNI के बारे में। मैं डायरेक्ट छत पर छलांग लगाने की बात करना आता ही नहीं है मेरे को, ठीक है। सो अभी अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर 1 मिनट और 58 से 2 मिनट हो गए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला दे दूंगा HNI को अप्रोच करने का और यो जाओ और छाप डालो करोड़पति प्लान और ये प्लान वो प्लान, आई एम सॉरी ये किसी के साथ मैच होता हो नाम तो, हाँ मेरा इंसल्ट करने का मतलब नहीं है, पर मैं ऐसा कोई फालतू बातें करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। आप एक चीज समझिए कि क्रिकेट मैच जो होता है ना, क्रिकेट मैच होता है उसमें अगर मुझे, मैं कोच हूं और मुझे एक प्लेयर आकर बोलता है कि सर छक्का मारना सिखा दो, तो मैं उसको बोलूंगा पहले तू बॉल को टच कर पाता है, हेलो समझ में आ रही है। अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर बोलता है कि सर छक्का चौका मारना है अपने को तो युवराज का रिकॉर्ड तोड़ने का है, ठीक है, तो मैं उसको पहला सवाल ये पूछूंगा ना भाई तू बॉल तो टच कर पाता है, सामने से जो बॉल दिखती है तुझे बॉल पहले पहले वो समझना पड़ेगा कि बॉल दिखना शुरू हो, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बॉल को टच कर पाओ, उसके बाद आपकी कलाइयों का प्रयोग आएगा, फुटवर्क आएगा, XYZ आएगा, कैसे बॉल की ताकत को कन्वर्ट किया जाता है उसको वापस छक्के की तरफ भेजने में, कैसे कैच नहीं हो जाए वो ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें फिर आती है। पहले तो मैं आपको बाकी सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि फंडामेंटल्स की बात करिए। मुझे ये बताइए कि सर मैं 50 लाख का चेक उठाना चाहता हूं, ये देखो 50-50 हजार के 100 चेक उठा लिए मैंने ऑलरेडी इस साल, तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप वही गलती करें जो इंडस्ट्री कर रही है। इंडस्ट्री गलती कर रही है, मैं कैसे बता रहा हूं आपको, मैं और मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है। irda.gov.in पे जाइए, वहां पर आप देखिए जो वो पेनिट्रेशन रेट है वो कम होता जा रहा है ना, नए लोगों से मिलना बंद हो गया है, रिटेल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, नंबर ऑफ लाइफ कम हो रही है भारत में 133 करोड़ की पॉपुलेशन में कैसे संभव है। अच्छा एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अगर ऐसा मत बोला अरे सर पिछली बार तो आपने 131 करोड़ बोला था, आप इस बार 133 करोड़, आप कॉन्सेप्ट को समझना है ना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसलिए मैं बता देता हूं। एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि यहां पर हम बात कर रहे हैं बड़े लोगों की, तो बड़े लोग मतलब कौन, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान, मैं कुछ पेन पेपर लेकर करूं क्या, मुझे एक पेन पेपर दो भैया, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो समाज है उसमें वास्तव में HNI कहते किसको है, ठीक है। ये HNI का शब्द आया कहां से, मैं बड़े दिल से बता रहा हूं, प्राइवेट कंपनीज के आने से पहले HNI नहीं था इस इंडस्ट्री में, जब सिर्फ LIC कंपनी हुआ करती थी तब ये HNI नहीं हुआ करता था, हर एजेंट ना वो माथा बोलते थे कि इतने सिर करने हैं अपने को उस समय HNI का, और मैं बड़े दिल से ये आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि उस समय जो LIC ने रिटेल किया हुआ था ना उसकी वजह से आज टिके हुए हैं वो लोग,
उस जमाने में LIC में, और मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ आपको, वापस बैक टू फंडामेंटल्स आना पड़ेगा। उस समय LIC में एक कंसेप्ट हुआ करता था जिसको हर प्राइवेट कंपनी को अपनाना चाहिए, मैं बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ, है ना। अच्छी चीजें अपनाने में कोई गलत कोई कमी बुराई नहीं है। उस समय है ना एक शतकवीर का कंसेप्ट हुआ करता था LIC में, वो शतकवीर में 100 लाइफ हुआ करती थी। आज गड़बड़ होके वो 100 पॉलिसी हो गया है, तो उसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया कि एक पॉलिसी के 10 टुकड़े करो, 10 पॉलिसी में 100 हो जाएंगे और प्रॉफिट मिल जाएगी, उसकी बात नहीं करो। मैं ओरिजिनल शतकवीर की बात करूं, जब 100 लाइफ किया करते थे, 100 लाइफ और 1 करोड़ का करने पर 1 करोड़पति एजेंट हुआ था, वो सॉलिड फाउंडेशन बनता था एक एडवाइजर का, ठीक है। आज क्या गड़बड़ होती है समझिए, आज क्या गड़बड़ होती है कि कहीं कोई ब्रांच पे 48 लाख रुपीज का चेक जमा होता है, 48 लाख का चेक किसी ब्रांच में जमा होता है। मेरी बात को समझना, इस चीज को ध्यान से मेरी बात को समझना, 48 लाख रुपीज का चेक एक ब्रांच में जमा होता है, वहां से एक व्हाट्सएप निकलता है और ऐसा ब्लास्ट होता है, ऐसा वायरल होता है पूरी इंडस्ट्री में, 48 फलना फलना, एक्चुअली किसी ने ऑथेंटिकेट चेक भी नहीं किया होता है भी नहीं, पर वो समझना ध्यान से, एक मनुष्य मन है ना, मनुष्य मन को क्या लगता है, वाओ 48 लाख मतलब 12 लाख रुपया कमीशन, मतलब सारे पाप एक ही पॉलिसी में धुल गए, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मेरे भी सारे पाप एक ही पॉलिसी से धुलेंगे अब तो, और वो 40-40 हजार के पॉलिसी छोड़ के और वो एक 48 के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री पड़ जाती है, वहां पे गड़। मैं डिसएग्री करता हूं इससे, मुझे आता नहीं है ये फंडामेंटल्स पे ये हवा में बातें करना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में सीरियस हैं इस करियर के प्रति, अपने आप आएगा। मैं क्रिकेट के वापस से कनेक्शन करता हूं, आप पहली बॉल को टच करिए, डॉट बॉल मत जाने दीजिए, पहली बॉल में 1 रन लेने की कोशिश करिए, दूसरी बॉल में 1 रन लेने की कोशिश करिए, 5 बॉल में 1 रन लेने की कोशिश करिए, ये ओवर सिक्योर हो गया, अब छठे पे चौका मारने की कोशिश करिए, चल जाएगा। लेकिन पहली ही बॉल में चौका छक्का आउट हो जाएंगे, पीछे वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ख्याल आ रहा है। तो इंश्योरेंस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट बताने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है दरअसल आपको, मैं आपको अच्छा मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हु इज राइट, क्या सही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि कौन सही है। तो मैं सही हूं या कोई और ट्रेनर सही है, उस चक्कर में मत पड़िए, क्या सही है उसको पकड़िए। आप समझिए, एक व्यक्ति, अच्छा डेटा अवेलेबल है ना, एक व्यक्ति 40 लाख रुपए का प्रीमियम करता है, 10-12 पॉलिसी से 40 लाख रुपए का प्रीमियम करता है, उसको एक अवार्ड मिल जाता है, लेकिन 70% ऐसे लोग रिपीट नहीं कर पाते हैं अगले साल अपनी परफॉर्मेंस को, 70%, क्योंकि ये जो है ना बेस नहीं है 4-5, 10-12, 15-20 पॉलिसी में। इसके मुकाबले में दूसरा व्यक्ति 100 लाइफ करता है, तो ये 100 लाइफ वाले व्यक्ति का अगले साल टिके रहने की संभावना ज्यादा है। इसने 15-20 पॉलिसी की है या 2-4 बड़ी पॉलिसी की है, इन लोगों से रेफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले साल बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन 100 में से 40 लोगों से आपको रेफरेंस और रेकमेंडेशन मिल सकता है। बिल्ड, अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म करियर बनाना, तो जैसे अपन बोलते हैं ना कस्टमर को कि लॉन्ग टर्म सोचो 20-25 साल का, वैसे अगर आप एज एन एडवाइजर 20-25 साल का सोच रहे हैं, तो आपको बेस बिल्ड करिए, नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करिए, ठीक है, अपने आप आएगा बड़ा पॉलिसी, डोंट वरी अबाउट इट, अपने आप आएगा। और ये जितने भी बड़े लोग देख रहे हो ना, आज अपन क्या है जो सॉलिड लोग हैं, ठीक है, मैं आपको भरत पारेख का भी एग्जांपल बता सकता हूँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर भरत पारेख का। मिस्टर भरत पारेख को जब हल्दीराम का 83 लाख रुपए का चेक मिला ना, उससे पहले 8,300 रुपए की 40,000 पॉलिसी करी है उन्होंने, समझिए इस चीज को आप, ठीक है। लेकिन हमको वो एक दिखता है, अपने को भी 83,000 करना है, 83 लाख करना है, ऐसा नहीं। तो आपको मैं HNI के बारे में बता देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फंडामेंटल समझना, ठीक है, कि HNI दरअसल है कौन। तो प्राइवेट कंपनी LIC के टाइम पे उस जमाने में HNI नहीं होता था, उस समय LIC में एकदम परफेक्ट काम होता था, क्या नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करो जो एक्चुअली इस इंडस्ट्री का मूल है, और समय शर्ट के ऊपर फोकस करो जो इस इंडस्ट्री का मूल है, जो सही है काम, है ना। फिर जो भी हुआ उसको अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद प्राइवेट कंपनी। अब समझना, नई नई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना, नई प्राइवेट कंपनी है, उसमें जैसे जीरो बिजनेस है, LIC में तो बैकग्राउंड था रेफर करने का, प्राइवेट में एक व्यक्ति आया है तो 50,000 का चेक लेकर आया ना, समझिए उस समय रेफरेंस मटेरियल क्या था लोगों के पास, LIC का बिजनेस। उस समय LIC का प्रीमियम 4,900 समथिंग रुपए एवरेज टिकट साइज था, ठीक है। अब आप समझिए कि जब इंडस्ट्री का एवरेज, क्योंकि एक ही कंपनी थी तो वही इंडस्ट्री हो गई, जब इंडस्ट्री का एवरेज पर पॉलिसी टिकट साइज 4,900 है, उस समय अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए लेकर आ जाता है, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बड़ा, तो पूरी ब्रांच हिल जाती थी, पूरी ब्रांच का टारगेट होता था 50,000 रुपए, तो पूरी ब्रांच हिल जाती थी, 50,000 का चेक आ गया, 4 दिन तक तो उसको हार्ट अटैक रहता, हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती थी कि भैया ये गलती से तो नहीं दे दिया 1 जीरो ज्यादा लगा के, क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैं वो जो लोग पुराने जमाने के हैं वो लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। तो
वो 50,000 रुपए देने वाला उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो गया, क्योंकि बाकी सारी पॉलिसी 4-4, 5-5, 7-7 हज़ार की आती है। उस समय अगर कोई 5 लाख आ गया तो ब्रांच मैनेजर बॉम्बे जाके क्लियर करवा के लाता था उसको, क्योंकि तो साल भर का टारगेट हो गया उसका। ख्याल आ रहा है मैं आपको 2001, 2002, 2003, 2004 की बातें बता रहा हूँ। तो वो जो 50,000 से ऊपर वाले चेक आने लगे ना, वो ग्रीन चैनल चेक हो गए कि इसको जल्दी क्लियर करवाओ भैया, कस्टमर का मूड बदले उससे पहले, ठीक है। अच्छा, तो वो धीरे धीरे होते होते 4-5 लाख रुपए का चेक होने लग गया, वो HNI में आ गया। एक्चुअल HNI कौन होता है समझना, ये होता है BPL, एक BPL होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लोअर क्लास, उसके बाद होता है लोअर क्लास, ठीक है, उसके बाद होता है लोअर क्लास, उसके बाद होता है लोअर मिडिल क्लास, यहां पे एक अपर लोअर क्लास, सॉरी, ठीक है, अपर लोअर क्लास। सबसे पहले होता है BPL के ऊपर होता है लोअर क्लास, लिखते रहिए आप लोग, लिखते रहिए लोअर क्लास और अपर लोअर क्लास, ठीक है, लोअर क्लास और अपर लोअर क्लास। इसके बाद आता है लोअर मिडिल क्लास, ओके, उसके बाद आता है मिडिल क्लास, फिर आता है अपर मिडिल क्लास। तो ये एक और क्लास हो गया आपका, एक सेगमेंट हो गया, इसको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है लोअर अपर क्लास, अपर क्लास, अपर अपर क्लास, और उसके ऊपर HNI आता है। ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। आप अगर 4,000-5,000 वाले को भी HNI बोलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये HNI होता है, ठीक है। अब इसको कैसे कन्विंस करते हैं मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअल जो पैसा है ना, ध्यान से सुनना, एक्चुअल जो जीवन बीमा इंडस्ट्री में पैसा है ना, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है, लोअर क्लास यहां नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वो लोग है जो सुबह कमाते शाम को खाते और वो बोलते हैं ना बेच छेड़ा बेगा करवाना, ये दो जून की रोटी कमा पाते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वो भी मोटे मोटे तौर पर आपके क्लाइंट नहीं है, क्योंकि वो अपने स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। एक्चुअल जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओपन हुई है ना, वो है ये अपर मिडिल क्लास के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं आप प्रोस्पेक्टिंग करो, है ना। गिडियन को भी आपने सुना होगा, मेरी भी बहुत सारी ट्रेनिंग में सुना होगा, इस विषय पर हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं। सो एक्चुअली जो लोअर अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास है ना, ये सही सेगमेंट है जीवन बीमा के लिए, सही सेगमेंट है जीवन बीमा के लिए, ठीक है। इसके ऊपर के जो लोग है ना, उनका एकदम अलग ऑर्बिट हो जाता है, अलग रडार हो जाता है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपका मेन अगर बिजनेस चाहिए तो फोकस होना चाहिए अपर मिडिल क्लास और लोअर अपर क्लास, क्योंकि भारत में जितनी भी विदेशी कंपनी आ रही है, वो आ रही है ये अपर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट होने वाले जो क्लास है ना, वो सबसे ज्यादा तेजी से भारत में कन्वर्ट हो रहे हैं। डबल इनकम नो किड में, इस विषय में पहले बात कर चुका हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, उसके पापा जो हैं उनकी अभी भी नौकरी चालू है या पेंशन मिल रही है, उस जमाने के व्यक्ति जब पेंशन मिल रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम उस घर में ज्यादा होती है, बच्चा एकाध है इस जनरेशन को, तो पैसा भी बहुत बचा है। तो वो क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए क्लास है, आपके लिए इंश्योरेंस के लिए वो क्लास है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ओके। अब हम आते हैं, नहीं सर आप तो हमको HNI ही बताओ, बिल्कुल बता देता हूँ, समझिए इस चीज को। HNI जो है, मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए आपको आज नहीं तो कल HNI के पास जाना है, इसीलिए मैंने सिंबल बनाया है, याद है ना, ये वाला सिंबल है ना, ये सिंबल एडवाइजर का, इसीलिए ड्रेस कोड बनाया है, क्योंकि पहले वो जो लोग है ना, समझिए, वो जो आप जिस किसी भी HNI को जानते, वो व्यक्ति जो है वो होमवर्क करिए थोड़ा, उसका वकील कौन होता है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आप बोलो अरे सर कॉम्बो तो बताया ही नहीं आपने HNI के लिए, भैया कॉम्बो नहीं, पहले कुछ और सीखो। HNI जो है उसका वकील कौन होता है, शहर का नंबर वन वकील उसका वकील होता है, या टॉप वकील होगा वो उसका वकील होगा, टॉप 10 में आता होगा शायद। उसका CA कौन होता है, टॉप CA जो होता है वो उसका CA होता है। वो कपड़े कौन से ब्रांड के पहनता है, वो TQPK या ब्लू बुद्धा के कपड़े नहीं पहनता है, वो टॉप ब्रांड के कपड़े पहनता है। उसके बच्चे जब बीमार होते हैं या वो बीमार होता है, कौन सी हॉस्पिटल में जाता है, सिविल हॉस्पिटल में नहीं जाता है, नॉर्मल नर्सरी में, नर्सिंग होम में नहीं जाता है, वो टॉप हॉस्पिटल में जाता है। शहर का टॉप डॉक्टर उसका फैमिली डॉक्टर होता है। उसके पास पेन कौन सा होता है, बेस्ट पेन उसका ब्रांड होता है, ठीक है। वो चश्मा भी कौन से ब्रांड का खरीदता है, वो नॉर्मल वो सुखराम ब्रदर्स का चश्मा नहीं खरीदता है, वो चश्मा भी ब्रांडेड पहनता है। अच्छा, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो शहर के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। गाड़ी कौन सी होती है, मारुति अल्टो नहीं होती है, उसके पास टॉप गाड़ी उसकी होती है, टॉप रेंज वाली गाड़ी होती है कि नहीं। वो कौन से क्लब का मेंबर होता है, वो टॉप क्लब का मेंबर होता है वो व्यक्ति।
वेकेशन करने कहां जाता है, वो फॉरेन में वेकेशन करने जाता है, और एडवाइजर आपको बना ले वो, कारण तो दोस्त को, तो वो चेक करता है, वो व्यक्ति चेक करता है कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है क्या ये मैच हो रहा है मेरे लेवल से, तो ना तो दिखने में मैच हो रहा है, ना ब्रांडिंग में मैच हो रहा है, ना नॉलेज में मैच हो रहा है, ना किसी चीज मैच तो हो ही नहीं रहा है, तो कहां से अप्रोच कर पाओगे उसको। मैं बताऊंगा, अभी मैं पहले बैकग्राउंड बता रहा हूं, मैंने को भी अप्रोच करना बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले होमवर्क बता रहा हूं मैं आपको। तो कोई भी व्यक्ति अपने लेवल या उसके ऊपर के लेवल के लोगों से मिलना पसंद करता है, ये खाली HNI के ऊपर लागू नहीं पड़ता है, ये हर एक के ऊपर लागू पड़ता है। आपने भी कभी भी अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गेट पर जो खड़ा रहता है सिक्योरिटी वाला, उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाया होगा, सेल्फी नहीं खिंचवाई होगी, एक्सेप्शन अलग बात है। आपने कभी अपने सब्जी वाले के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाया होगा, हो सकता है सब्जी वाले ने खिंचवाया हो आपके साथ, सांप के साथ फोटो है, राइट और रॉन्ग। तो मनुष्य का ये जो ऊपर 550 ग्राम है ना, ये कैसे काम करता है, ये अपने से एक लेवल ऊपर के व्यक्ति के साथ डील करना पसंद करता है, एटलीस्ट अपने इक्वल के लेवल के साथ डील करना पसंद करता है। तो HNI को वजह दीजिए कि वो क्यों सुने आपको, क्यों घुसने दे पहले, आपका फोन भी क्यों उठाए वो व्यक्ति। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप कि क्या आप उसके लेवल के हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के लेवल, तो एक सेकंड रुको, ये व्यक्ति का 300 करोड़ का टर्नओवर है तो क्या डॉक्टर का 300 करोड़ का है, जरूरी नहीं, डॉक्टर का 300 करोड़ का जरूरी है, डॉक्टर अपने फील्ड में टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। वो जो कल MBBS करके निकला या दो साल की प्रैक्टिस वाले को नहीं करेगा जब तक कि कुछ एक्सेप्शनल नहीं होता। एक्सेप्शनल कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। सो पहले तो कि क्या आप उसकी रेंज में आते हैं, उसकी सोच की रेंज में आते हैं, अगर हाँ तो अब आगे विचार करना शुरू करिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब आपने ब्रांड भी कर लिया तो अब मालूम करो किन किन लोगों साथ साथ जुड़ना पसंद करता है, भले उसके लेवल के नहीं हो, तो नॉलेज में उससे बड़ा होना चाहिए। CA जो है वो नॉलेज में बड़ा होगा तो वो रख लेगा, भले CA का टर्नओवर उससे कई गुना कम हो, डॉक्टर नॉलेज में बड़ा, क्योंकि तो पहला आप लोगों ने लिखा, पहला तो ब्रांडिंग में इक्वल होना चाहिए, लिखने वाले लिख रहे हैं ना, ब्रांडिंग में इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए नॉलेज वाइज, डोमेन नॉलेज इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप बंदूक चलाने में एक्सपर्ट हैं, सीधा निशाना लगता है, एक भाई जो है ना बॉम्बे में, भाई समझते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा वाला, वो तुरंत आपको रिक्रूट, आपको बना रहा, हाँ भैया तुम इधर आ दो, ठीक है। जितनी भी गैंगस्टर मूवीज है वो देखिए, गैंगस्टर मूवीज देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बड़ा आदमी जो होता है, वो भाई जो गैंगस्टर होता है, वो किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना पसंद है। भले ही पहली बार मिलता है, हेलो, भले ही पहली बार मिलता है, तुरंत अपने गैंग में शामिल कर लेगा वो आपको। क्यों? देवा सिंह सोढ़ी याद है? देवा सिंह सोढ़ी कौन है बताइए, यहां आंसर लिखकर बताइए, देवा सिंह सोढ़ी कौन है? देवा सिंह सोढ़ी, मैं इंतजार कर रहा हूं, देवा सिंह सोढ़ी कौन है? देवा सिंह सोढ़ी, मैं इंतजार करूंगा, कोई बात नहीं। और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो लोग भी लिखिए, देवा सिंह सोढ़ी कौन है? Who is देवा सिंह सोढ़ी? अरे भाई, लगान पिक्चर में सरदार जी जो थे ना, शूटर नहीं रे, वो देवा सिंह सोढ़ी, हाँ लगान मूवी में, वेरी गुड प्रदीप वर्मा जी, लगान फिल्म में देवा सिंह सोढ़ी जो था, ध्यान से सुनना, उसको टीम ज्वाइन करनी थी, क्या किया? परफॉर्मेंस, सीधा विकेट, ठीक है। और पूछा कि हाँ भैया क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो, बोले पहले भी खेल चुका हूं, बॉल पकड़ी तो गिल्लियां आउट, और अगर बॉल आ गई तो धागे खोल दूं उसके मैं, याद आ रहा है? तो जब HNI को ये पता चलेगा ना, ये आदमी जो है ना अपने क्षेत्र में कहां है, आपका नाम उसके पास पहुंच जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लोग रेकमेंड कर, समझ में आ रहा है? तो पहला हुआ नॉलेज, तो जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं वो लोग लिखना शुरू कर दीजिए, पहला तो नॉलेज में क्या आप उस लेवल पर हैं जिस लेवल के लोग उसको चाहिए, जिस लेवल के लोग उसको चाहिए। वो आपको पैसा इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और आप पहुंच गए हो, वो पैसा इसलिए देगा क्योंकि उस विषय पर, पैसे इन्वेस्टमेंट के विषय पर आप उससे ज्यादा जानते हो और ऐसी चीज बता रहे हो जो उसको नहीं पता थी, छा गए आप उसके दिल पे, वो धंधा करेगा। तो या तो HNI के लिए आपको नॉलेज वाइज बहुत हासिल करना पड़ेगा, दूसरा या फिर रिलेशनशिप हो, कि आप एक ऐसे रेफरेंस के माध्यम से गए हैं
जहां पर भी वो आपको सिर्फ सुनेगा, सुनने का टाइम देगा, हाँ वो ले जरूरी नहीं है, तो क्या रेफरेंस कनेक्शन बिठाइए आपको, कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उस व्यक्ति को जानता है, ख्याल आ रहा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उस व्यक्ति को जानता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, HNI को अप्रोच करना ऐसा नहीं है कि आपने आज टेक्निक लगाई और कल आपको चेक मिल गया, टाइम देना पड़ेगा आपको उसके लिए, टाइम फील्डिंग भरनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा सारी टेक्निक्स, डोंट वरी। सो पहला तो नॉलेज वाइज अपने आपको अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए, सोचिए कि इसको किस लेवल के व्यक्ति से सलाह लेता होगा, मैं पहले उस लेवल का व्यक्ति बनूंगा, ताकि नॉलेज वाइज तो वो मेरे को ना नहीं बोल सकता। दूसरा, मैं कुछ ऐसा रेफरेंस निकालूंगा जिस रेफरेंस को ना नहीं बोल सकता, अगर मैं रेफरेंस का मीडियम यूज करना चाहता हूं तो, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते, तो या तो नॉलेज हो गया या रेफरेंस हो गया। तीसरा हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, क्लोज एनकाउंटर टेक्निक बोलते हैं इसको। ये टेक्निक समझना, मैं आपको शॉर्टकट कभी भी नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूं शॉर्टकट में, क्योंकि शॉर्टकट ही अगर सही होते तो धरती पर हाईवेज नहीं बनते, ये मेरा परमानेंट फेवरेट डायलॉग है, पेटेंटेड डायलॉग है मेरा, ठीक है। सो आपको मैं हाईवे बता रहा हूँ, बाईपास बता रहा हूँ, कि शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, फंस जाओगे। तो आपको फील्डिंग भरने के लिए तैयार है, हाँ मैं आपको बता दूं कैसे वो व्यक्ति, आपके शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है, आपके शहर में जो CII की मीटिंग होती होगी, इस तरह के कोई भी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उनकी मीटिंग होती है, वहां पर जाइए, वहां पर सेमिनार होते ही हैं, वहां पर सेमिनार होते ही हैं। So, पहला नॉलेज हो गया, आपने नॉलेज के बारे में अपने आपको डोमेन एक्सपर्ट बनाया, या फिर रिलेशन ऐसा पकड़ा आपने कि वो व्यक्ति आपको सुनने का टाइम देगा, फिर अल्टीमेटली वापस नॉलेज भी आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट अप्रोच करने का तरीका, ये दोनों चीजें हासिल करने के बाद, जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और वो होते हैं इवेंट करने ही पड़ते हैं, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीगली उनके कंप्लायंस में आता है कि इतने सोशल अवेयरनेस के लिए इवेंट करने हैं, फंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ, किसी को स्पीकर को बुलाकर करेंगे, या कुछ करंट मार्केट सिचुएशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इस तरह के बहुत सारे इवेंट उनको करने होते हैं साल में। न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर के नॉर्मली 5वें पेज पे टुडे इन सिटी आता है, मालूम करो कौन कौन सा होने वाला है, पहुंच जाओ वहां पे। वैसे भी क्या करते हैं अपन, एक घंटा HNI के लिए इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, तो आप वहां पर पहुंचो, सुनो, बैठकर सुनो उस पूरे सेमिनार को, वो जो स्पीकर बोल रहा है कुछ दो चीजें जानने को ही मिलेगी, है ना, फेसबुक पर बैठे रहेंगे, दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे, उसकी जगह जानने को मिलेगी। तो आप वहां पर जान, वहां पर जो लोग हैं उनकी इंडस्ट्री की बात जानने को मिल रही है, अगर उन लोगों में से कोई व्यक्ति मिल गया तो उसकी इंडस्ट्री की बातें आपको पता है, कनेक्टिंग पॉइंट मिलेगा डिस्कशन का, राइट। सो आपने सारा सुना। सेमिनार खत्म होने के बाद मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सेमिनार खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आप वेल ड्रेस्ड है, प्रोफेशनल है एकदम, सेमिनार खत्म होने के बाद नॉर्मली इस तरह के जो सेशंस होते हैं उसमें स्नैक्स होते हैं, चाय बिस्किट कुछ हाई टी जैसा होता है, उससे पहले एक सेशन होता है क्वेश्चन आवर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि इस तरह के इवेंट में जो एक्सपर्ट आया होता है उसको एक फॉर्मेट का हिस्सा ही होता है कि एक ओपन सेशन होगा जिसमें लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उसमें एक सिंपल सी टेक्निक है, क्या है कि जो भी टॉपिक, अब वो टॉपिक आपका विषय नहीं भी हो सकता है, वो टेक्सटाइल का इंटरनेशनल मार्केट में स्कोप क्या है उस पर चल रहा है, ख्याल आ रहा है। तो आप क्या सवाल पूछोगे, भाई पूरा सुना है ना सेशन, आपने सुना है सेशन, उसी में से नोट्स बनाओ, उसी में से कोई एक पॉइंट पूछ लो, सर इस पॉइंट को थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे क्या, लेकिन टेक्निक क्या है, अगर पूरा सेशन इंग्लिश में हो रहा है तो आपको हिंदी में पूछना चाहिए, अगर पूरा सेशन हिंदी में हो रहा है तो आपको इंग्लिश में पूछना चाहिए, पूरा सेशन अगर इंग्लिश में हो रहा है आपको मराठी में पूछना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज जो वहां की फोरम की लैंग्वेज नहीं है, यहां तक ठीक है, जो फोरम की लैंग्वेज नहीं है, तो तुरंत सबकी गर्दन जाएगी कि ये कौन है व्यक्ति भैया, ये कौन व्यक्ति है, नजर में आ गए, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। सेशन खत्म होगा, वो जो जवाब दे दे, थैंक यू बोल दीजिए, सेशन खत्म हुआ, हाई टी स्नैक्स चल रहा है, वहां पर हाई टी स्नैक्स ले लीजिए, समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, और वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो सबको नहीं बोलना है, सर मेरा इंश्योरेंस बहुत बढ़िया प्लान है सर, 40 रुपया रोज भरो 16 साल के लिए, 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा, नहीं ये सब आप फालतू बातें माने करनी होती, कोई जल्दबाजी नहीं है धंधे की, बिजनेस की बात नहीं करनी है वहां पर, क्योंकि वो लोग वहां पर बिजनेस करने नहीं आए, सीखने के लिए आए, सीखने दीजिए आप भी सीखिए, लेकिन 3-4 सेमिनार जब हो जाएंगे ना, ऐसा जब 3-4 सेमिनार हो जाएंगे, हर सेमिनार में आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोगों की नजर में आ चुके होंगे, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है वाला, तो उनको लगेगा ये कौन व्यक्ति है जो हर सेमिनार में आता है, तो उनमें से कोई दो चार, अच्छा ऐसे सेमिनार में कौन लोग आते हैं, नॉर्मली उस
सिटी के नॉर्मली बिजनेस क्लास से जुड़े हुए इंडस्ट्री लोग जो होते हैं, जो चैंबर में नॉर्मली पदाधिकारी होते हैं, वही लोग अपने अटेंडेंस पूरा करने के लिए 15-20 लोग तो अंदर के लोग होते हैं, वो लोग तो देखेंगे कि आदमी हर बार आता है कौन है, तो वो कभी एक बार लंच ब्रेक में वो जो आईटी सेशन होता है उसमें आकर आपको बोलेंगे कि हाँ भैया आप कौन है क्या करते हैं, तो उसमें तुरंत कार्ड नहीं दे देना का बहुत बढ़िया प्लान है सर, इस धीरज रखो, ठंड रखो पकने दो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए, है ना, दुष्यंत कुमार की गजल है कि अरे मैं भूल गया, याद आएगा अभी, है ना, कि जिसमें की बात नहीं उनके दिल तक उतरना था लंबी दूरी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो अगर आप HNI को दिमाग से नहीं अपने हरा सकते नॉलेज वाइज, तो दिल तक पहुंचना पड़ेगा ना, तो फील्डिंग भरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम लीजिए, और जब वो आपको पूछे कि हाँ भैया कौन हो क्या हो, बोले मैं जस्ट ऐसे ही एडवाइजरी का काम करता हूँ और मुझे जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लाइंट से मिलता हूँ, तो उनके विषय में उनके सब्जेक्ट की जानकारी भी मुझे होनी चाहिए ताकि मैं और रेलेवेंट कर सकूँ मेरी बात को, इसलिए मैं सारे नॉलेज लेता हूँ, नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसको लगे कहा हाँ ये कोई काम का व्यक्ति है भैया, ये सीखने वाला व्यक्ति है, ये यहाँ बेचने नहीं आया, ख्याल आ रहा है मैं क्या करूँ, टाइम दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए इसमें, और ये तब कब जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे जबकि छोटी छोटी पॉलिसीज हो रही होगी, आपका वो जो रूटीन है वो चल रहा होगा, हर बॉल में एक रन हो रहा है, इसलिए आप छक्के के लिए सही बॉल का इंतजार कर पाएंगे, लेकिन अगर हर बॉल पे एक रन नहीं हो रहा है तो आपको रहेगा नहीं छक्का मार दूं मेरा एवरेज कवर कर लूं, और वहां पे आउट हो जाएंगे। क्लोज एनकाउंटर टेक्निक कहते हैं इसको, कोई भी ऐसा इवेंट है जहां पर वो लोग मिलते हैं वहां जाना शुरू करिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लिख लीजिए मूवी का नाम, लिख लीजिए मूवी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एक मूवी है आज रात को देखिए वो मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पर है या अमेजन प्राइम पर है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पिक्चर देखिए, उसमें जो हमारा हीरो है वो किस तरह से क्लोज एनकाउंटर टेक्निक यूज करता है, वो वहां जाता है जहां पर ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप किसी क्लब में जरूरी नहीं क्लब का मेंबर बनो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो उसके बाद मेरी बात को खत्म करूंगा। क्लोज एनकाउंटर टेक्निक का मतलब क्या होता है, धीरू भाई अंबानी का जब बॉम्बे में शुरुआत का टाइम है, जब ऑफिस था शुरुआत का टाइम है, जब इतने बड़े नहीं थे, तो वो जो है ना हमेशा कॉफी पीने ताज में जाते थे, सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, तो कॉफी पीने ताज में जाते थे वो लोग, तो दोस्त बोलते थे अरे धीरू क्या तू पागल हो गया, 65 रुपया कॉफी का वेस्ट करता है, यहाँ देख अपने ऑफिस के नीचे गले पे मिलती है 2 रुपए की कॉफी मिलती है, 5 रुपए में तो बढ़िया मलाई मार के कॉफी देता है, क्या तू फालतू खर्चा करता है, नया नया धंधा है अपना, काय को इतना खर्चा करता है। धीरू भाई अंबानी ने बोला कि नहीं, तुमको किसने बोला वहां 65 रुपए की कॉफी मिलती है, किसने बोला तुमको ताज में 65 रुपए की कॉफी मिलती है, ताज में भी 5 रुपए की मिलती है, बोले पागल हो गया यहाँ 5 रुपए की मिलती है, ताज में 5 रुपए की कॉफी कौन देगा, बोले हाँ ताज में भी 5 रुपए की कॉफी मिलती है, बिल तो 65 का लाया था तू, बोले वो 60 रुपया है ना वो वहां पे जो और लोग आते हैं उनके माहौल में रहने का और उनसे मिलने के अवसर देने का लेते हैं वो लोग। कितनी प्यारी कहानी है, कितना प्यारा मैसेज है, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं वहां पर अवसर होता है। आप मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप जो गली के नुक्कड़ पे जो पान की दुकान होती है, टपरी होती है चाय की, वहां पर जो गली के सारे लड़के लोग होते हैं वहां पर रहिए, उनके लेवल के हो जाओगे, उनके लेवल का ही टॉपिक चल रहा होगा वहां पे, है ना, वहां पे राखी सावंत की बात चल रही होगी, टिकटॉक की बात चल रही होगी, वहां पे मोदी ने ये कर दिया, राहुल ने ये कर दिया चल रहा होगा, लेकिन जब आप अपर क्लास जो ताज के कॉफी हाउस में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर बात चल रही होगी इकोनॉमी की, वहां पर बात चल रही होगी पॉलिसीज की, वहां पर बात चल रही होगी कंट्रीज की GDP की, लेवल चेंज हो गया ना, लेवल चेंज हो गया, तो आप उस माहौल के तो क्लोज एनकाउंटर बोलते हैं। आप अगर, और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिए, जो एमवे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, एमवे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमवे का जब नया नया आया था तो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहां मीटिंग करते हैं, वो 5-स्टार होटल के कॉफी शॉप पे मीटिंग करते हैं, पूरे दिन एक ही कॉफी मंगा के चला लेते हैं, वही कॉफी से सब लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो तो 5-स्टार होटल में मीटिंग कर रहे व्यक्ति, क्योंकि वो उस लेवल का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो आप ये इसको क्लोज एनकाउंटर टेक्निक कहते हैं कि वो व्यक्ति जहां पाया जाता है वहां पर आप पाए जाओ, धंधा नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि वो अंदर रहता है बस अभी चेक दे दे मेरे को, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर इसको बहुत डिटेल से समझना है, तो रूल्स
सेल्स का सुपरहिट फॉर्मूला, एक ट्रेनिंग है रूल्स सेल्स का सुपरहिट फॉर्मूला, जो मेरा मेरा ट्रेनर ऐप है उसमें जो शोकेस वाला है पेड सेशन में है वहां पर, तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे 5 रूल हैं HNI के टच करने के, कन्विंस करने के और उसके मुंह से हाँ सुनने के, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। हाँ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इस मूवी का नाम है, और जो मेरा मूवी बेस्ड ट्रेनिंग सेशन है आर्ट ऑफ डीलिंग विद HNI रूल्स सेल्स का सुपरहिट फॉर्मूला, मेरा ट्रेनर ऐप में शो केस में मिल जाएगी वो आपको, वो देखिए आपको पता चलेगा कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल उसमें सीखने को मिलेगा। और पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनिए, पेशेंस रखिए आप जब HNI की बात कर रहे होते, तो नॉलेज बढ़ाइए अपना, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रेजी एग्जांपल है, बड़ा ही खतरनाक एग्जांपल है, लेकिन अगर आपने कर लिया ना तो आप बोलेंगे सर गजब मजा आ गया, रिजल्ट जरूर मिला। ऐसा करिए आप, 4 शनिवार करने पड़ेंगे आपको, और वो पंडित जी वाले शनिवार नहीं करने, पहले मेरा नाम हिमांशु जोशी है, एक जस्ट विजुलाइज करिए, है ना, HNI से मिलना है आपको, ठीक है, आपने नॉलेज हासिल कर लिया, आपके पास पूरी तैयारी, आपके पास ये तैयारी नहीं होनी चाहिए कि भैया इतना रुपया भरो इतने साल बाद इतना मिलेगा, आपके पास होना चाहिए फैमिली फर्स्ट डायरी, ये मेरा वादा है, ये चीज उसको किसी ने नहीं दी होगी, ठीक है, आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा नॉवेल का, ये पूरी बुक पढ़नी चाहिए आपको, इसमें प्रश्न है सारे, HNI को बताने से नहीं, HNI को प्रश्न पूछने से वो व्यक्ति प्रभावित होगा कि सही प्रश्न पूछ रहा है ये व्यक्ति मेरे को, ऐसे आज तक किसी ने नहीं पूछे। और ये दोनों चीजें मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मत खरीदिए तो कहां से नॉलेज लेंगे, इस विषय में आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है। सो पूरी तैयारी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक शनिवार को, इसके बाद सेशन खत्म करूंगा, 30 मिनट हो चुके हैं, पहले शनिवार को शाम को 4 बजे, ऑफिस पता ही आपको, उसका सारा बिजनेस का प्रोफेशन पता है, उसका सारा काम पता है, होमवर्क कर लिया आपने, उसकी कंपनी की वेबसाइट स्टडी कर ली, उसके एम्प्लॉइज के साथ चाय पीते हो शाम को आप, उसके सिक्योरिटी वाले के साथ आपकी दोस्ती है, सब सब कुछ है आपका होमवर्क, ठीक है। इसके बाद आप पहले शनिवार को शाम को 4 बजे एक गुलाब का फूल लीजिए, और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स अगर ये देख रही है वीडियो तो रेड मत लेना भैया, येलो लेना, सभी लोग येलो गुलाब लेना, ठीक है। सो येलो गुलाब लेना, और येलो गुलाब के ऊपर वो जो विजिटिंग कार्ड नहीं लगाना है, ये बहुत बड़ा है, वो सेल्स 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 आता है मन में, नहीं वो क्या करना है, वो जो फ्लोरिस्ट के यहीं पे कार्ड होता है ना बेस्ट विशेज वाला, उसी को स्टेपल कर देना, उसको ऊपर उसके ऊपर लिखना है हैप्पी वीकेंड एंजॉय हिमांशु जोशी, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, मैं मेरा नाम से एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो और ये शुक्रवार को शाम को 5 बजे आप उसके रिसेप्शन पर दे दीजिए और निकल जाइए वहां से, क्या होगा उसके पास पहुंचेगा, खड़ूस आदमी भी होगा ना, फेंक देगा पता नहीं कौन है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, कंपनी लिखनी है, डेजिग्नेशन नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। अगले शनिवार को शाम को 5 बजे आप क्या करेंगे, अगले शनिवार को 5 बजे आप दोबारा गुलाब का फूल नहीं लेंगे, ठीक है। आप दूसरे दिन क्या, अगले शनिवार को क्या करेंगे, उसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको उसका बिजनेस का पता है सारा, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बुक पता है कोई अच्छी सी, या बिजनेस से रिलेटेड कुछ गूगल कर लीजिए, लेटेस्ट पॉलिसीज या लेटेस्ट कुछ कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ, एक पेज का 8-10 लाइन का एक प्रिंट आउट करिए, लेटर बढ़िया सा नीचे लिखिए, हैप्पी लर्निंग हैप्पी वीकेंड एंजॉय हिमांशु जोशी, एनवेलप करिए बढ़िया सा क्वालिटी का और दे दीजिए उसके, कुछ नाम डेजिग्नेशन नहीं, कंपनी नहीं, कुछ नहीं लिखना है। दूसरे सैटरडे को शाम को 5 बजे उसके पास लेटर मिलेगा, जब रिसेप्शनिस्ट उसको देगी सर ये कोई दे के गया था, तो क्या होगा, वो ओपन करेगा, अंदर देखेगा, मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, 8 लाइन है, 8 लाइन होगी तो पढ़ लेगा, इससे ज्यादा होगा तो रख देगा, तो देखा आपने, उसमें वो ब्रोशर नहीं डाल देना है ना, 12 लाख रुपए मिलेगा कन्यादान का आपको 11 साल बाद, है ना। सो उसके इंडस्ट्री के बारे में डाल दिया आपने और उसको खड़ू से फाड़ के फेंक दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो बुलाएगा आपको। तीसरे शनिवार को शाम को 5 बजे क्या करेंगे, तीसरे शनिवार को शाम को 5 बजे अगर आपको और कुछ पता नहीं, उसकी हॉबी अगर पता कर सकते हो कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाकर देखो, लिंक्डइन पे है क्या, वो लिंक्डइन पे होते हैं नॉर्मली ये सब लोग, फेसबुक पे नहीं मिलेंगे आपको, लिंक्डइन पे मिलेंगे, जहां भी मिल जाए वहां से उसकी हॉबीज मालूम करो क्या है क्या नहीं है। तो आप क्या करोगे कि उसकी हॉबी से रिलेटेड कुछ चीज, अगर बुक्स पढ़ने का शौक है तो उसके टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, या गेम्स का शौक है तो गेम्स की बुक, कुछ कुछ भी ऐसी चीज, कुछ पता नहीं है ना, तो देखो आज सैटरडे है यानी कल संडे है, ठीक है, कल फ्राइडे था मतलब फ्राइडे को कोई नई मूवी लगी होगी, तो नई मूवी के 2 टिकट लीजिए, बिजनेस क्लास के वो जो रिक्लाइनर क्लास होता है उसके टिकट लीजिए, एनवेलप में डालिए, हैप्पी वीकेंड एंजॉय एनवेलप को पैक करिए और अपना नाम लिख रहे और कुछ नहीं, इतना नाम लिखकर छोड़ दीजिए सैटरडे को शाम को 5 बजे। तीसरे सैटरडे को शाम को 5 बजे जब उसके पास कुछ उसके हॉबी से रिलेटेड चीज या 2 मूवी की टिकट मिलेगी, क्या होगा उसके दिमाग में कुछ चालू होगा, कौन है ये व्यक्ति,
चौथे सैटरडे को शाम को 5 बजे आपको पता है वो क्या कर रहा होगा, उसने अपने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया होगा कि ये साथ में से कुछ भी लेना मत, आते ही मुझे बताना। चौथे सैटरडे शाम को 5 बजे वो व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा होगा, है कि नहीं? जो व्यक्ति आपको टाइम देने को तैयार नहीं था, मैंने आपको उसका इंतजार करता कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब चौथे सैटरडे होगा आप वहां पहुंचोगे, वो पहले से तैयार होगा कि आप आने वाले हो। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे कुछ नहीं लेके जाना है, आप पहुंचोगे वहां पर बोलेगा हाँ भैया तुम हो कौन, तो शुरू नहीं होना सर बहुत बढ़िया कॉम्बो है, फालतू बात है। उसको बोला सर मुझे आपका 20 मिनट का टाइम चाहिए, 20 मिनट का टाइम चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है और ऐसी बात करनी है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। और तब आप ये उसको फैमिली फर्स्ट डायरी दे सकते हैं कि अगर आप एक बार मुझे 20 मिनट का समय देंगे, मेरा वादा है आपसे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं। वो सारे पिचेस मैंने आपको बताई हुई है, चला रहे मिलेगा टाइम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में जगह बना ली है, दिमाग की ये आदमी कौन है भैया, बंदे में दम है इसको। अच्छा आप मुझे बोलेंगे कि सर हमने ऐसा कर लिया और उसने टाइम नहीं दिया, तो पहले भी कौन सा दे रहा था, पहले भी कौन सा दे रहा था, अभी भी नहीं दे रहा है। कम से कम आपने प्रयास तो किया। प्रयत्न कार्याणि सिद्धन्ति न च केवल मनोरथम। शेर को भी शिकार करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, हिरण अपने आप मुंह में नहीं आता है, टाइम देता है, एचएनआई टाइम देता है भैया उसको। आप बताइए कि आप डिफरेंट कैसे हैं। इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत घूमते हैं उसके पास यार, बहुत है। उसके चाचा का लड़का भी है और बुआ का लड़का भी और मामा का लड़का भी और साले का लड़का, सब यही काम कर रहे हैं। क्यों सुने वो आपको? कारण दीजिए उसे, यू आर डिफरेंट, क्योंकि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, वो इस बात की संभावना है कि ऐसा देखिए आपको जॉब ऑफर करेगा, भैया तू इधर आ, तू काम का आदमी, तू कुछ नया ला रहा है फंडा, है ना, तुम वैसे नहीं हो जैसे अब तक मेरे पास आए थे। ये जिस दिन उसके दिमाग में घुस जाएगा, टाइम देगा, फिर आपके पास नॉलेज है, आपको ये डायरी के साथ नीड एनालिसिस करना आता है और देगा टाइम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जिन लोगों ने डायरी यूज किया उन लोगों को पता है, यहाँ पर अनिल भाई हैं क्या, जिन्होंने HNI लेवल के लोगों को इस डायरी से एंट्री किया। बॉम्बे में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़े हाई लेवल के लोगों को इस डायरी से किया है कन्विंस किया। आज के लिए इतना ही है, मैं फिर से कंक्लूड कर दूं मेरे सेशन को। HNI जो है वो अपने लेवल के लोगों के साथ डील करना पसंद करता है। मैं बड़े दिल से आपको ये कह रहा हूँ, ट्राई करते रहिए थोड़ा बहुत, लेकिन आप 1-50 लाख का चेक के लिए ट्राई करें, उसकी जगह आप 50-50 हजार के 100 चेक के लिए ट्राई करें। आसान है, सही है, आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ करके ईश्वर की कृपा हुई 50 लाख का एक चेक ले भी लिया ना, तो अगले साल ये चेक तो रिन्यूअल प्रीमियम के रूप में काउंट होगा, ठीक है। तो आपको अगले साल फिर से 50 लाख का मिलेगा, इसकी कितने प्रतिशत संभावना है या उसके लिए फिर से कितने प्रतिशत प्रयास करना है। इसकी जगह आप अगर वास्तव में लॉन्ग टर्म एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो अगर आपने 50-50 हजार के 100 लोग इकट्ठे किए ना, है ना, तो ये बेस बहुत सॉलिड बनेगा। और ये 50 हजार वाले लोग अपने लेवल के रेफरेंस भी देंगे आपको, तो 50 हजार रुपए वाले व्यक्ति से 50 हजार दूसरे वाले व्यक्ति का रेफरेंस मिलना आसान है, 50 लाख वाले से दूसरा 50 लाख। लेकिन आप बोलेंगे अगर सर मिल गया तो सारी लाइफ बन जाएगी, हाँ तो मैं कहां मना कर रहा हूं ट्राई करने से, लेकिन सिर्फ उसी के लिए ट्राई मत करिए। पहले आपका रिटेल चाहिए मुझे, पहले रिटेल चाहिए, फिर आपको सीखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति का बिजनेस इंश्योरेंस सीखना पड़ेगा आपको, कि उसको बिजनेस इंश्योरेंस की भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सीखो। और मैं सही व्यक्ति नहीं हूं उस चीज के लिए, ठीक है, वो इस विषय के एक्सपर्ट ट्रेनर को ढूंढो, उससे सीखो पार्टनरशिप इंश्योरेंस क्या होता है, उससे सीखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस क्या होता है, उससे सीखो, ये लिख रहे हो ना आप सब, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पार्टनरशिप, उसके बाद आता है की मैन इंश्योरेंस, और उसके बाद आता है MWP। ये चारों चीजों की मास्टरी होनी चाहिए आप HNI के पास जाते हो तो। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड मटेरियल नहीं है तो आप अपने जो भी लीडर है उनसे बोलिए, वो देंगे आपको, ठीक है। LIC में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो जो मनोज जी हैं, डॉक्टर मनोज जामनगर के, उनके पास है बहुत सारा, उनका जो ग्रुप न्यूज़लेटर निकलता है उसमें बहुत बढ़िया मटेरियल दिया हुआ है। मास्टरी करनी पड़ेगी आपको की मैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पार्टनरशिप एंड MWP एक्ट के ऊपर, क्योंकि उनको ये चीजें समझ में आती है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटेल मत छोड़ना भैया, वो रिटेल मत छोड़ना, वो हर बॉल पे रन तो चाहिए ही चाहिए मुझे, क्योंकि असली गेम वही है, असली गेम वही है, है ना। तो रिटेल के ऊपर ध्यान दीजिए, HNI भी आएंगे, मैं प्रयास करने से ना नहीं बोल रहा हूं। हाँ, सो और कुछ 50 हजार का 100 पॉलिसी इज 1000 टाइम बेटर देन 50 लाख का एक पॉलिसी, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो धूम केतु हो जाओगे।
ठीक है। फिर देखो एक चीज समझो, फिर जब वो 50 लाख का पॉलिसी, 50-50 हजार का 100 पॉलिसी आएगा, उसमें 2-4 भी नहीं आए ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 1 50 लाख का नहीं आया ना, तो पूरा 50 लाख का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 50-50 हजार की 100 पॉलिसी आ रही और 1 50 लाख की और आ रही, तो सीधा डबल हो गया, लेकिन वो नहीं तो सीधा जीरो हो जाएगा वो आपका, है ना। सो करिए काम, कोई नहीं कह रहा हूं मैं, हर बॉल पे रन चाहिए, डॉट बॉल नहीं जाना चाहिए आपका। सो कुछ क्वेश्चन अगर है तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न धीरे से बोलो, अरे वापस वापस सुन लेना भैया, धीरे से। मैं कॉन्शियसली कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं, पर हाउ टू क्रिएट ब्रांड, मैंने बहुत भैया, हाउ टू क्रिएट ब्रांड सिंपल है। सबसे पहले सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप सिंबल का इस्तेमाल करिए और लोगों को भी बताइए सिंबल का इस्तेमाल करने के लिए, धीरे धीरे ये एक पहचान बन जाएगी, ठीक है। एडवाइजर का जो सिंबल मैं बता रहा हूँ, ये सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू करिए। दूसरा, ड्रेस कोड मैंने बताया है आप लोगों को, वो ड्रेस कोड इस्तेमाल करना शुरू करिए, राइट। तो आपका धीरे धीरे एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू होगा, है ना। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा कि नहीं देखा, वो जो मैंने एक एग्जाम्पल का एक लगभग 1 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया, शेयर किया है, आप लोगों के पास पहुंचा होगा, जिसमें मैंने बताया कि अगर किराने की दुकान वाला आपको फोन करता है और आप गुस्सा नहीं होता, तो फिर इंश्योरेंस एडवाइजर आपको कॉल करता है तो आप गुस्सा क्यों होते हैं, कि अपने धंधे की बात कर रहा है। फैमिली डॉक्टर अगर आपको इस लॉकडाउन में फोन करके पूछे कि सब कुछ ठीक है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि ये धंधे की बात कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर का धंधे की। तो एक मैंने वीडियो बनाया है, वो बहुत वायरल हुआ है और मैं बड़ी खुशी से आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने ही उसको वायरल किया है, 7 कंट्रीज में जा चुका है, कल तक 4 कंट्रीज में था, अभी केन्या से भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपका ये वीडियो यहाँ पर भी बहुत वायरल हो रहा है, ओमान में वायरल हो रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में बहुत वायरल हुआ है ये, अभी केन्या में भी वायरल हुआ है, सो इंडिया में तो है ही। तो ये अब सोचिए कि एक दिन में एक छोटी सी चीज इतनी वायरल हो सकती है, तो अब तक तो पूरी इंडस्ट्री में ये सिंबल वायरल हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ है। यहां पर मैं देख रहा हूं 99% लोगों के प्रोफाइल में ये सिंबल नहीं दिख रहा है। अनिल वर्मा जी के प्रोफाइल में सिंबल दिख रहा है, अनिल वर्मा जी के प्रोफाइल में सिंबल दिख रहा है, और कौन है जिसके प्रोफाइल में सिंबल दिख रहा है मुझे ये। आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं और अगर आप अपने सिंबल को ही नहीं यूज करेंगे तो कौन यूज करेगा भैया, तो कौन इस्तेमाल करेगा इसका, है ना। तो ब्रांडिंग, पूरी इंडस्ट्री की इमेज भी लोगी। मैं फिर से बोलूं, लॉकडाउन खत्म होने पर इंश्योरेंस एडवाइजर 2.0 निकल कर आना चाहिए। अगर आप पहले जैसे ही हैं तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं है फिर तो, ठीक है। ओके, सो ब्रांडिंग आप ये सिंबल यूज करिए, लैंग्वेज यूज करिए, उससे आप, हाँ, अदर जब आप सेमिनार में जा रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो दूसरी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करें, उससे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप भी इंग्लिश में सवाल पूछेंगे तो खो जाएगा, लेकिन हिंदी वाला सवाल याद रहता है, हिंदी वाला सवाल याद रहता है। मैंने ये टेक्निक बहुत यूज की है, इसको अटेंशन तुरंत सीख कर, अटेंशन सबका मिल जाता है आपको, ठीक है। हाँ, ये सब शॉर्टकट वाले प्लान ये नहीं चलते हैं। ओके, लेकिन अगर पहले ही सेमिनार में परिचय पूछ लिया तो मैंने आपको प्रोफाइल कार्ड बताया हुआ है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको प्रोफाइल कार्ड बताया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो मैं भेज भी दूंगा, मैं फिर से बता देता हूं, आपका एक प्रोफाइल कार्ड होता है इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का एक प्रोफाइल कार्ड होता है, प्रोफाइल ऑफ, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है क्या, प्रोफाइल ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी जानकारी लिखी हुई होती है, इसको मैं ब्राइटनेस कम करने से शायद हो जाएगा, दिख रहे ना। तो ये प्रोफाइल कार्ड एक होता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो नया ही ज्वाइन किया है, तो भैया नया ज्वाइन किया तो HNA क्यों चाहिए आपको पहले ही दिन, अभी तुम पहले बॉल को टच करना सीखो, फिर बॉल को खेलना सीखो, फिर वो एक रन बना सके उतना दूर डालना सीखो, फिर चौके छक्के की बात करेंगे आपसे। पर अगर आपका टर्नओवर करोड़ों में है ऑलरेडी प्रोफाइल, तो वो कार्ड आपको काम लगेगा, ठीक है। सो परिचय के लिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, और अदरवाइज 52 बिजनेस कार्ड आइडिया का जो मेरा वीडियो है मेरा ट्रेनर ऐप में शोकेस में, उसको जाकर आप ले लेंगे तो आपको और बहुत सारे परिचय कैसे दें, उसके क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करें, उसके बारे में आ जाएगा। मैं दिल्ली आऊंगा तो जरूर मिलूंगा, मेरे जैसा प्रवक्ता बनना है भैया, मेरे जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनो, क्योंकि मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता था, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। आप जैसे किसी और के जैसा बनने लगते हैं ना, वहां पे गड़बड़ हो जाती है, आप अपने जैसा बनना शुरू करो। अब आप बोलोगे अपने जैसा कैसे बनते हैं, तो मेरे पुराने सारे वीडियोस देखिए, नॉलेज, स्किल,
बिहेवियर एंड हैबिट, ये चार चीजें आपको बनाती है। मैं खूब पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे फिल्में देखने का शौक है, मैं फिल्मों के ऊपर ट्रेनिंग भी करता हूँ। आप में से कितने लोगों ने मेरा मूवी बेस्ड ट्रेनिंग का जो सीरीज है उसको सब्सक्राइब किया है? 1200 रुपए में 52 बिजनेस के मैं आइडियाज वाले मूवीज दे रहा हूँ। 52, मैंने ओरिजिनली सोचा था कि एक एपिसोड 7 से 10 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन 20 मिनट से लेकर और 42 मिनट तक के पूरे पूरे क्लासरूम सेशन जैसे मैं दे रहा हूं एक एक मूवी के ऊपर, और वो 1200 रुपए में यानी 23 रुपीज का एक वीडियो पड़ रहा है। भैया वो भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या बोलूं आपको, वहां पर उससे सीखने को मिलेगा आपको। तो मेरे जैसा प्रवक्ता नहीं, अपने जैसा प्रवक्ता बनना है आपको, अपने जैसा बनना है, कॉपी नहीं करना है किसी का भी। तो ये कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, सीखने से। मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, आइडिया मिला यूज कर लिया, मैं बहुत पढ़ता हूँ, आइडिया मिला उसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। सो आप इसको इनपुट डालिए और रोज डालिए, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो तो भी डालिए, ठीक है। ताज बहुत महंगा है तो HNI वहीं मिलेंगे ना भैया, यहाँ थोड़ी मिलेंगे। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी जरूर देखिए आप, ठीक है। बुक का नाम, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। ये trainerhimanshu.com पर मेरे सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। ये प्रश्न एक ही बार, trainerhimanshu.com सब मिल जाएगा। बंगाली वर्जन लास्ट फेज में है भैया, आस्कर द विनर का बंगाली वर्जन, बंगाल का ही एक व्यक्ति है जो फाइनल स्टेज में है, वो कुछ करेक्शंस बाकी है, ई बुक आ जाएगा। मेरा ट्रेनर ऐप में अभी पेड वीडियो है, बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर अंदर शायद हम उसमें ई बुक का भी फंक्शन डालने वाले हैं, तो वहां से आप ई बुक परचेज कर पाएंगे, मिल पाएगी। गुजराती में भी ई बुक और फिजिकल बुक इसके बाद आ जाएगी, लॉकडाउन के बाद, और ई बुक जो है वो उस ऐप में आ जाएगी। एक वीक के अंदर अंदर सब चीजें आ जाएगी आपको, डोंट वरी। थैंक यू श्याम सुंदर जी, श्याम शंकर जी, मेरी सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग फ्री अवेलेबल है, बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो पेड है, आप जो जितना जैसा कैपेसिटी उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं। trainerhimanshu.com पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। बंगाली में बुक आ रही, मैंने बता दिया, थैंक यू। familyfirstdiary.com पे जाएंगे, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज वहां दिए हुए, मैं और बना दूंगा चाहिएगा तो। हाँ, ये कह रहे हैं लॉकडाउन 20, हर साल 20 दिन का होना चाहिए ताकि आपकी स्पीच मिल सके। भैया मेरी स्पीच के लिए लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप मुझे अदरवाइज भी बोलिए, हम देखते हैं। अच्छा, कितने लोग मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो 3 मई के बाद भी सेशन अटेंड करना चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि मैं 3 मई के बाद लॉकडाउन हो या नहीं हो इसको कंटिन्यू रखूं? कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन हो या नहीं हो इस तरह का सेशन आप अटेंड करना चाहेंगे? ऐसा क्या बताना है जो किसी ने नहीं बताया होगा? फैमिली फर्स्ट डायरी का वीडियो देखो एंड सेल्स प्रेजेंटर न्यू वीडियो देखो। सारी जानकारी trainerhimanshu.com पे मिल जाएगी आपको, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा की। थैंक यू। डायरी को भरने में परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस स्किल जो होती है वो हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, स्किल हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लॉकडाउन के बाद भी ये कंटिन्यू रखें सीरीज, तो हम इसका भी कुछ उपाय ढूंढ लेंगे, ठीक है, इसका भी कुछ उपाय ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। क्योंकि जो सीखना चाहता है उसको सिखाने में और ज्यादा मजा आता है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सिखाने में मजा नहीं आता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिखाने का मजा आता है, तो करेंगे, कुछ रास्ता निकालते हैं इसका। 3 मई तक तो है ही, उसमें दो राय नहीं है, 3 मई तक तो एकदम बिंदास अपन करने ही वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर से मिलेंगे, कल एक नए विषय पर बात करेंगे। कल का जो मेरा विषय है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। अब आपने बोला सर HNI, भैया HNI तो ठीक है, पर HNI तो एक हुआ ना, तो 7 अलग अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं, सुनना ध्यान से। आप खाली HNI क्यों करना चाहते हो? क्योंकि HNI को अगर आप पकड़ोगे तो बाकी 6 तरह के जो इन्वेस्टर हैं उनका क्या होगा, उनका बिजनेस तो कोई और ले जाएगा, तो आप खाली HNI क्यों? 7 तरह के इन्वेस्टर टाइप को अगर समझ लें और उसके आधार पर अपनी सेल्स स्ट्रेटजी डिसाइड करें तो बिजनेस और बढ़ेगा। तो आप, जब मैं आपको बोलता हूँ सर रिटेल, तो आपका सवाल होना चाहिए सर रिटेल वाला क्लाइंट कैसा है, तो जो 7 में से 1 जो है ये HNI है, बाकी 6 रिटेल वाले क्लाइंट हो सकते हैं।
तो इन छह क्लाइंट का प्रकार जानकर, उनकी सोच जानकर, अगर आपने उसको पकड़ लिया, उसको अप्रोच कर लिया या उसको आपने संपर्क किया, समझाया, तो संभावना है बिजनेस बढ़ेगी। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं, ध्यान सुनना। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि सर उसके पास बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट, आपको ये जानना जरूरी नहीं है या उतना मायने नहीं रखता है कि उसके पास कितना पैसा है। आपको ये जानना चाहिए कि पैसे के बारे में उसकी सोच क्या है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके पास कितना पैसा है ये नहीं, पैसे के बारे में उसकी सोच क्या है। तो ये सोच कितने तरह की होती है? ये सोच सात तरह की होती है, सात अलग अलग तरह की सोच होती है। इसके आधार पर आदमी डिसाइड होता है कि किस तरह का व्यक्ति है ये, और इनमें से कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है, ये हम कल बात करेंगे, जो HNI का, आर्ट ऑफ डीलिंग विद HNI का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। गुरप्रीत जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुरप्रीत जी हमारे लुधियाना से हैं और बहुत मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। गुरप्रीत जी स्टूडेंट बोल सकता हूं ना मैं आपको, है ना? सो बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। ओके, लास्ट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सफल एडवाइजर प्रो, जो फीस बेस्ड एडवाइजरी का जो मॉडल है, वो लॉन्च हो चुका है। आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करिए, आपको वापस एक रिप्लाई में मेल आएगा। उसके बाद और आगे कम्युनिकेशन होगा। जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है उन लोगों को हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है। तो जिनका पहले एप्लीकेशन आया उनको हम पहले रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो सभी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे हम मेल से, फिर मैं पर्सनली भी बात करूंगा आपसे। कब शुरू होगा ये, जो प्रश्न पूछते हैं मुझे लोग, तो मैं बता देता हूँ ये कब शुरू होगा। मतलब कोई बैच नहीं है कि सभी लोग इतनी तारीख को शुरू होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आप इंडिविजुअल हैं और आपकी कोचिंग इंडिविजुअल होनी चाहिए। आप लोगों का इंतजार क्यों करेंगे? क्यों मैं, अगर मैं ऐसा बोलूंगा 15 मई से शुरू करेंगे, आप 15 मई तक क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भैया, जब आपके पास 18 दिन हाथ में है, तो वाई टू वेस्ट 15 दिन? तो आप जब डिसीजन लेंगे, फीस जमा करेंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी लोगों का एप्लीकेशन आया है, पेमेंट आया है, उनके साथ हम अगले स्टेजेस पर जा रहे हैं। फाइनल स्टेज पर मैं आपसे संपर्क करूंगा और उसके बाद हम काम को फुल फ्लेजर आगे बढ़ा देंगे, एक्शन प्लान बढ़ा देंगे। लॉकडाउन पीरियड जो है वो आपके लिए पिछला सारा बैकलॉग कवर करने का टाइम हो जाएगा, तो बहुत प्रॉफिटेबल इस्तेमाल कर पाएंगे इस टाइम का, अगर आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो। मेरा वादा है आपसे 3 साल के अंदर अंदर फीस बेस्ड एडवाइजरी के लेवल तक आप पहुंच जाएंगे और कस्टमर फीस देने वाला मैं ला कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। trainerhimanshu.com पर आपको बाकी सारी जानकारी मिलेगी, safaladvisor.org पर आपको बाकी सारी जानकारी मिलेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो मैंने डाला है लिंक safaladvisor.org/pro, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, और trainerhimanshu.com पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं और उन सब चीजों के बारे में। आज के लिए इतना ही। ट्रेनर हिमांशु, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, ट्रेनर हिमांशु पर मिल जाएगा। जो वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था कस्टमर के लिए, है ना, वो बहुत वायरल हुआ है 7 कंट्रीज में, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा और किसी विषय पर आपको चाहिए कंटेंट, तो मैं वो कंटेंट भी बना दूंगा। एक मिनट की वीडियो सीरीज बनाई जा सकती है, कोई हर्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कल रात को 10 बजे वापस मिलते हैं। होमवर्क करिए, रिवीजन करिए, इस वीडियो को वापस से देखिए, कमेंट अगर कुछ भी करना है, क्रॉस क्वेश्चन है करिए। थैंक यू वेरी मच, शेयर करिए सबके साथ।